हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजिएस्ट सॉल्यूशन फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं पोर्टर्स वैल्यू चेन पोर्टर्स वैल्यू चेन देखने से पहले आइए देख लेते हैं व्हाट इज वैल्यू चेन अ वैल्यू चेन इज अ बिजनेस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस वैल्यू चेन का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में परफॉर्म करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई मोबाइल की कंपनी है जहाँ पे आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे रॉ मटेरियल परचेस करेंगे रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद आप क्या करेंगे सारे पार्ट्स रॉ मटीरियल मोबाइल के केस में क्या होगा जैसे रैम है प्रोसेसर है कैमरा है डिस्प्ले है बैटरी है फिर इन सारे पार्ट्स को आप असम्बल करके सेलफ़ोन तैयार करवाएंगे फिर आप एडवर्टीज़मेंट करेंगे मतलब जो भी आपने नया मोबाइल बनाया है उसका टेलीविजन पे यूट्यूब पे रेडियो पे आप क्या करेंगे एड्स चलवाएंगे ताकि कस्टमर्स को आपके नए प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके और फाइनली आप क्या करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे यानी अमेजोन और फ्लिपकार्टे आप सेल रख सकते हैं या हो सकता है आपके कुछ पर्सनल सेंटर्स हों अलग अलग सिटीज़ में जिसके थ्रू आप अपना जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाएं तो ये जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जैसे रॉ मटेरियल मंगवाना फिर उनको उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना यानी असेंबलिंग करना उसके बाद हमें मार्केटिंग करना यान, यानी यानी एडवर्टीज़मेंट करना उसके बाद फाइनली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो ये सारी एक्टिविटीज़ का एक चेन की तरह आपको दिख रहा है जैसे पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई फिर ये फिर ये एंड देन ये तो ये एक सीक्वेंस में होती हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं चेन ऑफ एक्टिविटीज़ और वैल्यू चेन हम क्यों बोलते हैं क्योंकि हम वैल्यू को क्रिएट करने के लिए यानी वो वैल्यू में यहाँ पे उस प्रोडक्ट या सर्विस को बोल रहे हैं जो एक कंपनी प्रोवाइड करती है आइए अब देखते हैं पोर्टर्स वैल्यू चेन पोर्टर्स ने क्या किया इन एक्टिविटीज़ को टू कैटेगरी में डिवाइड किया फर्स्ट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जिन्हें हम कहते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़ प्राइमरी में हमारी आती है इन बाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस आउट बाउंड लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में या सपोर्ट एक्टिविटीज़ में हमारी आती हैं प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर यह है पोर्टस वैल्यू चेन का डायग्राम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर एग्ज़ाम में है तो आप बना सकते हैं इसमें हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनको नीचे साइड में दिखाया जाता है और जो हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको ऊपर दिखाया जाता है और साइड में हम दिखाते हैं मार्जिन मार्जिन का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल आपके पास फाइव हंड्रेड रुपीज़ हैं और आपने फाइव हंड्रेड रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट बनाया जिसे आपने सेल किया वन थाउजेंड रुपीज़ का तो जो बीच का डिफरेंस है यानी आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया उस पर दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन नाउ हम देखते हैं पोर्टल वैल्यूचन की डेफिनीशन पोर्टस वैल्यूचन फोकसेज ऑन सिस्टम्स हाउ इनपुट्स आर चेंज इन टू आउटपुट्स परचेज बाई कस्टमर्स यानी पोर्टल वैल्यूचन किस पर फोकस करता है हाउ इनपुट्स आर चेंज इन टू आउटपुट यानी हम इनपुट को यानी रॉ मटीरियल को आउटपुट में यानी फाइनल गुड में कैसे कन्वर्ट करें यानी किन किन एक्टिविटीज़ को हम बीच में परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर हमारा पोर्टल वैल्यूचन फोकस करता है यूजिंग दिस व्यू पॉइंट पोर्टर डिस्क्राइब अ चेन ऑफ एक्टिविटीज़ कॉमन टू ऑल बिजनेसिस एंड ही डिवाइडेड दैम इन टू प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ तो पोर्टर ने क्या किया उन एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया उन चेन ऑफ एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जो हर बिजनेस में कॉमन होती हैं यानी कि जैसे भी आपको एक्टिविटी बताई थी रॉ मटेरियल मंगवाना फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना फिर एडवर्टीज़मेंट करना तो ये एक्टिविटीज़ ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक बिज़नेस में होती हैं ये हर बिजनेस में कॉमन होती हैं और पोर्टर ने इनको क्या किया टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया फ़र्स्ट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज़ सपोर्ट एक्टिविटीज़ तो प्राइमरी में हमारी पहली आती इन बाउंड लॉजिस्टिक्स इन बाउंड का मतलब ये होता है यहाँ पे इन बाउंड का मतलब है जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं अगर हमारा बिजनेस है तो हमारे पास क्या क्या आता है जैसे रॉ मटेरियल आता है हमारे पास तो उस रॉ मटेरियल को कायदे से स्टोर करवाना उसका मेंटेनेंस करवाना मतलब ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल उठा के कहीं भी हमने डाल दिया वो ख़राब हो रहा है तो रॉ मटेरियल को मंगवाया कोई मंगवा के प्रॉपर प्लेस पे रखना उसका मेंटेनेंस करना तो ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं तो ये सारी आती हैं इन बाउंड लॉजिस्टिक्स में दीज आर ऑल द प्रोसेस रिलेटेड टू रिसीविंग स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स इंटरनली यानी इनपुट जो है यानी रॉ मटेरियल जो है उसको मंगवाना स्टोर करना और अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको भिजवाना क्योंकि असम्बलिंग का काम होगा यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा तो उसके लिए उस इनपुट को इंटरनली यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या करना सेंड करना योर सप्लायर रिलेशनशिप आर अ की फैक्टर इन क्रिएटिंग वेल्यूर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका अपने सप्लायर से कितना इस्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है अगर सप्लायर से हमारा रिलेशनशिप इस्ट्रांग होता है तो हमें रॉ मटेरियल अच्छे प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी पे क्या होता है अवेलेबल हो जाता है नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन रॉ मटेरियल हमने मंगवा लिया उसको से से स्टोर कर दिया और इंटरनली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिया अब हम क्या करेंगे उस रॉ मटेरियल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन का मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू होगा दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ दैट चेंज इनटू इनपुट्स इनटू आउटपुट्स दैट आर सोल्ड टू कस्टमर्स हे योर ऑपरेशनल सिस्टम क्रिएट वैल्यू तो ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज यानी हम रॉ मटेरियल को क्या करें ट्रांसफॉर्मेशन करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल सिस्टम यानी जो सिस्टम जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जैसे हमारी मशीनरी है हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारा मैनेजमेंट है वो यहाँ पे क्या करता है एक मेन रोल प्ले करता है क्योंकि हमारा ऑपरेशनल सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा हमारे एम्प्लॉयज़ जितने ट्रेंड होंगे जितने प्रोडक्टिव होंगे हम उतना ही ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे यानी उतना ही अच्छा हम प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे नेक्स्ट हमारा आउट बाउंड लॉजिस्टिक्स अब इन बाउंड का मतलब था जो चीज़ें हमारे पास आ रही थी आउट बाउंड का मतलब है जो चीज़ें हमारे पास से जाएंगी हमारे पास से जाएगा क्या ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है वो हमारे पास से जाएगा कहाँ जाएगा डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा जो फर्दर उसको कहाँ पहुँचाएंगे कस्टमर के पास पहुँचाएंगे दीज एक्टिविटीज़ डिलीवर योर प्रोडक्ट और सर्विस टू योर कस्टमर दीज आर थिंग्स लाइक कलेक्शन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड दे में भी इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है हमने अपने ही कुछ सेंटर्स बना रखे हों अलग अलग सिटीज़ में जो हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें और हो सकता है हमने किसी ई e कामर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट की सेल करवाई हो जैसे अमेजन है फ़्लिपकार्ट है आपने उस पर देखा हुआ कई बार मोबाइल्स की सेल आती हैं तो बेसिकली मोबाइल कंपनीज़ क्या करती हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं और उनके ही थ्रू अपना प्रोडक्ट क्या करती हैं डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं कुछ कंपनीज़ क्या अपने ही सेंटर्स अलग अलग सिटीज़ में खुलवाती हैं और वहाँ पे क्या करती हैं उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट क्या करती हैं डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स अब हम क्या करेंगे मार्केटिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना मीन्स एडवर्टाइजमेंट करवा के अपने कस्टमर तक उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंचानी है ताकि कस्टमर को पता लगे कि हमने कौन सा प्रोडक्ट डेवलप किया है क्या क्या फीचर्स हैं इसमें उसके उससे कस्टमर को क्या करना अवेयर करवाना नेक्स्ट है सर्विस अब हमने प्रोडक्ट तो कस्टमर तक पहुँचा दिया अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड करना यह भी हमारा क्या है कि इम्पॉर्टेंट टास्क होता है ना सपोर्ट एक्टिविटीज़ सपोर्ट एक्टिविटीज़ कुछ अलग नहीं है बल्कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ही क्या करती हैं सपोर्ट करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है हमारा प्रोक्योरमेंट दिस इज वाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू गेट रिसोर्स इट नीड्स टू ऑपरेट दिस इंक्लूड्स फाइंडिंग वेंडर्स एंड नेगोशिएटिंग बेस्ट प्राइस तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेजिंग यानी जो हम परचेज करें रॉ मटेरियल तो इसमें क्या है कि अच्छे सप्लायर्स को ढूंढना यानी कौन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल हमको अवेलेबल करवा सकता है और फिर उनसे बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करना यानी हम कोशिश करें कि हमें कम से कम प्राइस पे रॉ मटेरियल मिल सके ताकि हम जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो यानी जो भी हम मोबाइल या जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट हम कम कर सकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स में हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं और वर्कर्स हैं वो आते हैं तो हम अपने वर्कर्स और इम्प्लॉयज़ को कितना ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा करवा पा रहे हैं कितना ज़्यादा वो मोटिवेटेड है कितना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव है ये सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यानी हम कितने अच्छे से अपने वर्कर्स को मैनेज कर पा रहे हैं जितने अच्छे से हम अपने वर्कर को मैनेज कर पाएंगे उनको प्रोडक्टिव रख पाएंगे उनको मोटिवेटेड रख पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको क्या होगा बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब हम टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे बिजनेस की ग्रोथ पे। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी है जो सिंगल कैमरा फ़ोन बना रही है लेकिन आज के टाइम पर हम देख रहे हैं टू कैमरे भी आते हैं थ्री कैमरे भी आते हैं फोर कैमरे भी आते हैं तो ऐसे में उस सिंगल कैमरा जो कंपनी बना रही है उसको कोई उसके प्रोडक्ट को कोई परचेस करना प्रेफर नहीं करेगा तो इसीलिए हमको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़े, पड़ेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हमको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने बिजनेस को और जितना ही ज़्यादा हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे उतना ही ज़्यादा हमको क्या होगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ़्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हमारे बिज़नेस की फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बिज़नेस के पास जो रोड्स हैं वो कितनी अच्छी बनी हुई हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कितनी अच्छी मिलती है वाटर सप्लाई कितनी अच्छी मिलती है हमारे वहाँ कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी जो हम आस पास से अपने अलग दूसरे बिजनेस से कम्युनिकेट करते हैं तो वो हम कितने अच्छे से कर पाते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारे बिजनेस को मिलता है सो so, ये थी कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ जो पोर्टर ने क्या करी है? डिस्क्राइब करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए थैंक यू